हेलो एवरीबॉडी, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेडटॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। सबको मालूम है कि स्टेरॉयड्स इज द मेन स्ट्रे ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। प्रेडनिसोलोन डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन 40 मिलीग्राम और डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम दोनों बराबर हैं। ये लो डोज के अंदर में दे रिक्वायर नो टेपरिंग। आप 10 दिन के अंदर में इनको दे सकते हो। You start with 40 milligram of prednisolone or 6 milligram of dexamethasone and give it for 10 days. Both are prescription drugs, misuse हो सकती हैं, इसलिए medical prescription जरूरी है। इसके साथ में हम लोग colchicine डाल देते हैं, that is a steroid sparing drug, ताकि बाद में लंबा steroid ना चले, तो colchicine is a steroid sparing drug. कब तक continue करेंगे steroids को? सबसे पहले हमें देखना है कि सीआरपी शुड बी की गिरना चालू हो गया है। लेकिन अगर सीआरपी गिरना चालू हो गया है, मतलब शुड बी 5 बाय डे 5 और शुड बी लेस देन 10 बाय डे 10 इन एनी केस। लेकिन अगर सीआरपी बढ़ रहा है और निमोनिया है, देन यू नो दैट द सीआरपी निमोनिया इज राइजिंग। कंटिन्यू स्टेरॉइड्स, एड मेफेनिमिक एसिड, कोल्चिसिन, ब्लड थिनर, डू सी आर पी डेली, डू गिव विटामिन डी हाई डोज, गिव आर्टिमिसिनिन, जो आपने देना है, जो आपके डॉक्टर देंगे उनको देने दो। लेकिन अगर सी आर पी इज राइजिंग डिस्पाइट स्टेरॉयड्स, रूल आउट थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको एंटी कोएगुलेशन की दवाई कम मिल रही हो या आपको हिपेरिन मिल रहा हो। गो फॉर नॉन हिपेरिन ब्लड थिनर्स। ये सारे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं। लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के परमिशन के दवाई ना आपको मिलेगी ना मिल सकती है। लेकिन जनरल पब्लिक को मालूम होना चाहिए दैट स्टेरॉयड्स नॉर्मली हम वायरस में नहीं देते, कोविड के अंदर में हम स्टेरॉयड्स को देते हैं। और ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कितने दिन दें। 10 दिन के अंदर में वो आपको बोलेगा कि 10 दिन लेके रोक दो, और अगर 10 दिन से ज़्यादा है तो टेपर ऑफ करेगा। नमस्कार।